नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से लाए हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 23 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 49 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह 343 गुना हो जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का रीजन क्या कह रहा है कि कोई धन 23 वर्ष में, यहाँ समय आपको दिया है, समय दिया है, कितना दिया है, ये 23 वर्ष समय दिया है। आ कह रहा है 23 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, तो गुना कह रहा है कि ये 49 गुना हो जाता है। तो कितने समय में, फिर दोबारा ये समय पूछा, कितने समय में यही धन 343 गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन नंबर मिलता है तो आप कहेंगे 49 को देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा, आप 343 को देखेंगे तो ये 7 का क्यूब बनेगा। ये 77 तो ठीक है, अपने जगह पर ही है, ये 2 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब 2 को अगर 3 बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 1 इसमें अगर प्लस कर देंगे तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब 2 का आधा 1 होगा, 2 का आधा 1 इसमें जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी अगर किया जाए कि समय कितना है तो 23 का आधा कितना होगा, तो 23 का आधा जो होगा 11.5 होगा। इसमें 23 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3400 हो जाएगा। 0.5 है तो 5 लगाकर आप जवाब दे सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, तो 3400 वर्ष में क्या होगा, वो धन 343 गुना हो जाएगा। इसका चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2700 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3600 रुपया हो जाती है तो 6 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये मूलधन आपका दिया है, यहाँ कितने की राशि है, तो आप कहेंगे कि यहाँ मूलधन दिया है आपका 2700 रुपया है। यह राशि 2 वर्षों में बताया जा रहा है कि ये 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद ये राशि जो बताया गया है कि ये 3600 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, तो ये राशि 6 वर्ष, 2 वर्ष में आपको समझ में आ गया कि ये कितना है, 2700 3600 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ 6 वर्ष बनाना है तो 2 वर्ष ऑलरेडी बना है, तो 2 वर्ष फिर इसमें प्लस कर देंगे तो ये 4 वर्ष हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या करेंगे कि 2 वर्ष और प्लस कर देंगे तो टोटल यहाँ 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष जोड़ दिया जाए तो 6 वर्ष बन जाएगा। अब रीजन हम समझते हैं कि 2700 रुपया ये 3600 कैसे बन गया, तो यहाँ हम देखेंगे तो तुलना करेंगे तो यहाँ 2020 दोनों है ही है, यहाँ तक कि 27 है, यहाँ 36 है, किसके टेबल में आएगा, तो आप कहेंगे 27 और 36, ये टेबल जो होगा कि 9 3 27, 9 4 36, 9 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब 9 का 4 बार टेबल पढ़ देंगे तो ये 36 बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2700 रुपया 3600 बन जाएगा अगर 4/3 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ 2 वर्ष में ये बना हुआ है रुपया, फिर 2 वर्ष में
में यही चक्रवृद्धि जो समान जो गुणा होगा उसी तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ भी चार बटा तीन का गुणा कर देंगे। तो तीन बार किसका टेबल पढ़ेंगे तो 36 बनेगा, तो आप कहेंगे 12 यानी 36 होगा और चार बार टेबल 12 का पढ़ेंगे तो 12 × 6 = 48 होगा। इसका मतलब ये चार वर्ष में कितना रुपया बन चुका, 4,800 बन चुका। लेकिन आपको 6 वर्ष में बनाना है तो फिर इसको क्या करते हैं कि फिर यहाँ 4/3 से गुणा फिर एक बार कर देते हैं। किसका टेबल तीन बार पढ़ेंगे 48 आएगा तो आप कहेंगे कि 16 × 48 होगा और 16 × 6 का क्या होगा तो आप कहेंगे 16 × 6 का तो 64 होगा और 2 जीरो इसमें है तो 2 जीरो लगाकर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वो रुपया 6 वर्ष बाद कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद जो रुपया होगा वो 6,400 बनेगा। इसका विकल्प जो है कि तीसरा बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पर, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या। अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 16% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 332.8 रुपया है तो एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। आइए देखते हैं यहाँ आपका दर कितना दिया है। तो आपका दर जो दिया है, आपका दर दिया है 16%, ये दिया है वार्षिक, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है अर्धवार्षिक। तो आप एक वर्ष का ब्याज 16% दे रहे हैं तो यहाँ अर्धवार्षिक बनाएंगे तो एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अर्धवार्षिक बनाया जाएगा तो 16 का आधा हम 8% यहाँ कर सकते हैं, 8% यहाँ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का नाम लिया है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से इसको देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये तो साधारण ब्याज में बना हुआ है 16%, चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो कितना परसेंटेज बनेगा। तो आप जानते हैं कि एक सूत्र है रामबाण, 8+8 और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 8×8 आप बटे में क्या करेंगे 100 से भाग, 8 8 कहेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 8×8 = 64 में अगर 100 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा 6.64 हो गया, इतना प्रतिशत हो गया। अब यही 16.64% की वैल्यू बढ़कर कितना रुपया बताया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ बताया है 332.8 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि 1% की वैल्यू क्या होगी तो आप बता सकते हैं 332.8 आप बटे में हम क्या लिख देंगे 16.64। अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो 100 का नीचे गुणा कर देंगे और 100 का ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ तक देखेंगे कि अगर ये दशमलव हटाएंगे तो ये दोनों जीरो को काट देगा, यहाँ 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगा। अब देखेंगे क्या इसका 2 गुना करने पर आ जा रहा है, तो 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, 16 × 32 = 33, इसका मतलब 2 बार टेबल पढ़े तो आ गया तो ये 10 गुना के कितना होगा तो 20 हो गया, 1% का मान कितना हो गया तो आप कहेंगे ये तो 20 रुपया हो गया। लेकिन आपका साधारण ब्याज पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कितने का तो एक वर्ष का पूछा है वार्षिक से, तो ये 16% का मान क्या होगा मेरे भाई, तो 16% का मान देखेंगे तो 20, 1 का मतलब 20 तो 16 का मतलब इसमें 16 का गुणा करके बता सकते हैं कि ये 320 रुपया इसका जवाब होगा, जो विकल्प नंबर इसमें चौथा बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, आप उसको भी देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए Yeah.
यदि एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज 35,000 रुपया है और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 14,280 रुपया है। यहाँ दर पूछ रहा है और इसमें एक चीज दिया है कि वो 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। 5 वर्ष का क्या दे दिया है? SI दे दिया है साधारण ब्याज। कितना दिया है? तो आप कहेंगे कि ये 35,000 आपको मिल गया। तो ये बताइए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज कहा जाए तो 5 का इसमें भाग देंगे 5 × 7 = 35, इसका मतलब 7,000 रुपया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। एक चीज और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष का कितना दिया है? तो 2 वर्ष का आपके जवाब दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है CI आपका 14,280 दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 7,000, तो 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज बनाया जाए तो 2 बार हम कह सकते हैं कि 7,000, आइए 7,000 कितना होगा? 14,000। लेकिन ये दोनों क्या होगा? ये दोनों आपका साधारण ब्याज होगा, लेकिन ये कितना अधिक है? अब चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो ये 280 और अधिक है, तो यहाँ 280 लगा दें। अब ये जो 280 लगा दिए तो सबको यहाँ से और यहाँ तक हमने ऐड कर दिया, तो आप समझ सकते हैं ये क्या बन गया? आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। अब आपका दर पूछ रहा है कि 7,000 रुपया यहाँ अगर आएगा तो 1 वर्ष लग जाएगा, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है वापसी? तो 7,000 रुपया है तुम्हारे हमारे पास, और 7,000 रुपया 280 कितना ब्याज लगाएंगे कि बढ़ेगा? तो यहाँ दर पूछ रहा है तो दर प्रतिशत में होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होगा, 100 का मतलब ये प्रतिशत 1/100, तो ये 2 जीरो को प्रतिशत काट देगा, 100 से कट जाएगा, और 1 जीरो से अगर इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और 7 से अगर 28 में भाग देंगे तो 7 × 28 होगा। आप कहेंगे कि ये दर कितना आएगा? 4% इस क्वेश्चन का जवाब होगा, 4%, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा ये क्लास समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।